सवाल ये है कि अगर मतलब अगर कोई ऐसी औरत है कि जिसका मतलब शोहर ड्रग्स पे है, या फिर उसको ऐसे कोई मसाइल है कि उसको डोमेस्टिक वायलेंस भी पहले बहुत करता था, लेकिन उसके बाद चलो वो खत्म हो गया डोमेस्टिक वायलेंस, लेकिन उसके बाद उसको डिप्रेशन स्टार्ट हुआ और फिर उसके बाद वो ड्रग अब्यूज करने लगा, तो फिर ऐसी औरत के जैसे कि 2-3 बच्चे हैं या 2 बच्चे हैं, वट एवर जितने भी है, तो क्या वो कॉम्प्रोमाइज करे, मतलब कि मतलब चलो अब तो वो थोड़ा मतलब अगर किसी रिहैब में उसको डाल दिया है या कोई भी उसका ट्रीटमेंट हो रहा है, तो क्या वो औरत वो ये समझे कि चलो खैर है मैं थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेती हूँ, क्या पता ठीक हो जाए, क्या वो कॉम्प्रोमाइज करे या फिर ऐसी उसको छोड़ दे? और अगर छोड़ देगी तो फिर यही मसला है ना, सवाल तो यही है कि लोग फिर कहेंगे कि अच्छा ये तो इतने साल इसने गुजार दिए, अब इस तलाक ले रही है, अब ये हो रहा है, इतने मसाइल चलते हैं, कोई आसान थोड़ी है डिवोर्स लेना, और वो भी अगर आपको इतने साल हो गए, तो ये सवाल है। देखिए, मैं आपको पहले बता दूं, डिवोर्स लेना मेरे टॉपिक का मकसद नहीं है, स्टैंडर्ड हाई करना मकसद है। डिवोर्स लेनी या नहीं लेनी, ये एक हिकमत का तकाजा उस तरीके से कि स्टेप वाइज आपने प्रोसेस पूरा किया था, ये हिकमत पूरी की थी जो अल्लाह ने हुक्म दिया है। उसके अलावा कोई हिकमत नहीं है कि मैं रोड पे आऊंगी या फिर आप तलाक, लोग क्या कह रहे हैं, इतने सालों बाद, साल बाद तलाक लेनी है, 10 साल बाद तलाक, अल्लाह के लिए तलाक लेनी है। आप कोशिश करें जितनी भी आप कर सकते हैं, जो कि आपको एक ड्रग एडिक्ट को हेल्प चाहिए होती है, किसी इंसान को इस वजह से तो नहीं छोड़ना कि मैंने कोशिश नहीं की, कि जैसी पहली गलती हुई बंदा मार दिया, ऐसे तो नहीं होता, इस्लाम इस्लाम का नहज है। ठीक है, सो आपने पूरी की पूरी कोशिश करनी है कि इसको किस तरीके से ड्रग से बाहर निकाला जाए, या रिहेबिलिटेशन सेंटर्स की हेल्प ले रही है या फिर आप खानदान वालों की हेल्प ले रही है। अगर उसके बावजूद भी नहीं हो रहा तो फिर सालों का क्या तयन करना है आपने, मतलब ये ज्यादा साल इकट्ठे रहो तो तलाक गुनाह है, ये कहीं हदीस है या कोई आयत है? ये तो ऐसा तो कोई मामला नहीं, बल्कि इफ एनीथिंग ज्यादा सालों के बाद तो आपके पास ये जवाब होना चाहिए, और आपसे सवाल भी होगा कि तुम्हें तो कोई ढकी छुपी बात ही नहीं थी, हफ्ते 10 दिन के लिए नहीं, तुमने तो पूरा सबर आजमाया अपना, कोशिश की थी कि नहीं की थी। अब ये सवाल तो आपको बेहतर पता है कि एक इंसान को जितना भी कोशिश की जाए कम है, मगर इतना जरूर उसको आजमाया जाए कि यार बेटा, आपको हर तरफ से हम बशीरम व नजीरा की टेक्निक लगा रहे हैं, तो उसको मोटिवेट कर रहे हैं, उसके बाद उसको नेगेटिव रीइन्फोर्समेंट कर रहे हैं, तीसरी लेवल के ऊपर पनिश कर रहे हैं। अल्लाह ने भी यही कहा कि उसको आप पहले पॉजिटिव रीइन्फोर्समेंट करेंगे, फिर नेगेटिव रीइन्फोर्समेंट करेंगे, और फिर पनिश करेंगे। ये साइंस भी ये कहती है, ये बी एफ स्किनर के मॉडलिंग किया है, ऑपरेंट मॉडलिंग कहते हैं इसको, साइकोलॉजिस्ट भी इधर ही पहुंचे आगे एंड में, कि अल्लाह ताला ने पहले क्या कहा, और ये साइकोलॉजिस्ट क्या कहते हैं, आप दुनिया के सारे साइकोलॉजिस्ट का इतफाक इस पे कि पॉजिटिव रीइन्फोर्समेंट करें, एड समथिंग गुड टू हिज आउटपुट, के जब अगर काम कर लिया तो हम तुझे कुछ इनाम देंगे। नेगेटिव रीइन्फोर्समेंट क्या होती है कि अगर तूने ये काम जारी रखा तो हम वो वाली चीजें निकाल लेंगे तेरे सिस्टम में से जो तुझे पसंद है, और पनिशमेंट क्या होती है कि हम वो वाली चीजें ऐड कर देंगे तेरे सिस्टम में कि जो तुझे नहीं पसंद, जैसे कि मार पिटाई या फिर यू नो वट एवर यू कैन ऐड। सो इसको ऑपरेंट लर्निंग भी कहते हैं साइकोलॉजी। अल्लाह ने भी कहा कि पहले इसको प्यार से समझाओ, पॉजिटिव रीइन्फोर्समेंट, उसके बाद एक इंसान को प्यार से नहीं समझ आती तो उसको सख्ती से समझाओ, और नहीं भी समझ आती तो फिर उसको लगाओ, मारो उसको, अल्लाह ताला ने कहा। ये पाकिस्तान के भी उलमा कराम अपनी इस आयत के ऊपर भी शर्मिंदा है, ये मारो वाला लफ्ज बोलते बोलते क्या उनका सुर नीचा हो जाता है, बात करते कहते छुपाते नहीं, कोई शर्मिंदा है अपनी किताब पे। अल्लाह ताला ने भी वही पनिशमेंट का मॉडल दिया है, साइकोलॉजिस्ट भी उधर पहुंच चुके हैं। खुदा की कसम, किसी गोरे ने कहा होता ना मारो तो सारे पाकिस्तानी मौलवी भी लगे होते मारो मारो, डरे हुए सारे, जो अल्लाह की किताब में और कानून में लिखा है वो इसी तरह पूरा करेंगे। नाउ इन दिस केस आप अपने शोर को मार लेंगे, क्या कर लेंगे, कुछ भी नहीं होगा। पॉजिटिव इन्फोर्समेंट की आपने, यस और नो, क्वेश्चन आंसर इज यस की, उसके बाद नेगेटिव इन्फोर्समेंट की, यस और नो, आंसर कुड बी नो मोस्ट ऑफ द टाइम, बट ओके लेट्स जस्ट से कि आपने उसको अपने आप को अलग कर लिया उससे, बच्चों को अलग कर लिया उससे, नेगेटिव इन्फोर्समेंट है। शोर बिस्तर अलग करता है ना, जिस तरह इस तरह बीवी जो है ना सेपरेशन होती है कि भाई मैं तुम्हारे साथ नहीं रह रही, नेगेटिव इन्फोर्समेंट है, सजा नहीं दे सकती, आप क्या कर लेंगे उसको मार के, उसको कौन सी चोट लगनी है, ठीक है, नेगेटिव इन्फोर्समेंट। सो बिल्कुल इस तरीके से थर्ड डिग्री के ऊपर आप सजा दें, चल बेटा अल्लाह हाफिज। अब ये इस बारे में किसी शक में मत रहिएगा, ये मैं इस्लाम पे आके कोई ग्रे मैटर नहीं बताऊंगा कि हाँ बीच में कुछ पतली गलियां भी होती हैं उधर भी कंसिडर कर लेना, भाई 3 स्टेप्स दिए हैं अल्लाह ताला ने। ड्रग तो बहुत बड़ा केस है, मैं तो छोटे केसेस के ऊपर ये थेरेपी रेकमेंड करता हूँ, ड्रग्स के पीछे क्या कसर आएगी, उसने तो अपना होश ही खो दिया।
वो तो आधे से ज्यादा दिन या आधे से ज्यादा 24 घंटों में से उसका जो दिमाग मुअत्तल रहता है, मऊफ नहीं मुअत्तल, इज ऑफ, उस वो तो बंदा किसी भी किसी काबिल नहीं है। शोर होना तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, वो तो इंसान आने के काबिल नहीं रहा। शोर तो बहुत हाई डिग्री का एक इंसान होता, इतनी जिम्मेदारी होती है शोर के ऊपर। नशे वाले बंदे को तो उसी वक्त ये वाला मॉडल अप्लाई कर देना पहले फर्स्ट स्टेज के अंदर, और एडिक्ट के ऊपर तो पॉजिटिव इन्फोर्समेंट करनी मेरा नहीं ख्याल को फायदा है, टाइम जाया होता है। जब एडिक्ट होते हैं, मेरे पास एडिक्ट आते हैं, तो मैं उसे कहता हूँ यार इसको क्या मोटिवेट कर रहे हो टू कम आउट ऑफ ड्रग्स, ही इज एन एडिक्ट, ही सुपर मोटिवेटेड ऑलरेडी टू गो इनटू ड्रग्स, सो रिवर्स द साइकिल, इसको नेगेटिव रिइंफोर्समेंट से स्टार्ट करें और इमीडिएटली इसको पनिशमेंट के ऊपर लेके, व्हाटएवर दैट पनिशमेंट कुड बी, हर एक के लिए अपनी अपनी पनिशमेंट होती है। ये मत सोचें कि 20 साल बाद तलाक हुई या 50 साल बाद तलाक, अल्लाह के लिए तलाक देनी है अगर देनी है, अपने लिए नहीं देनी, अल्लाह के लिए तलाक ना देने का फैसला करना है, अपने लिए थोड़ी करना है, ठीक है। फिर देखें अल्लाह ताला खुद ही बचाते हैं जो भी मदद करनी होती है। I know, मुझे आप क्या समझ नहीं, मैं इस दुनिया में नहीं रहता, मुझे नहीं पता लोगों का क्या चल रहा है। वाकई में कुछ औरतों के पास वाकई ना बाप होता ना भाई होता है ना बहनें होती हैं, अकेली होती हैं, वो कहती हैं हम क्या करें ना, मैं कभी पढ़ी लिखी हूं, मतलब कभी स्कूल भी नहीं गई, मैं क्या करूं। उस एक्सेप्शन को बहाना बना के बाकी की सारी औरतें घरों में बैठी हैं दो नंबर लोगों के साथ, उस एक एक्सेप्शन का बहाना बना के, सॉरी इस तरह के बहाने नहीं चलेंगे। उनको मैं समझ सकता हूं कि वो बेचारियां क्या करें, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, इवन दे आस्क मी, आई डोंट नो व्हाट यू कैन डू, क्या करोगी घरों में काम करोगी जाके, ओके स्टार्ट प्रिपेयरिंग योरसेल्फ ऑन दैट, स्टार्ट प्रिपेयरिंग योरसेल्फ टू बिकम अ लिटिल मोर स्ट्रांग एंड इंडिपेंडेंट, सोशली एक्सपोज, काम शुरू करो, कोई बात नहीं, छोड़ो शादीशुदा औरतें काम नहीं करती, आप आई डोंट नो व्हाट लेवल यू गोना स्टार्ट, बट स्टार्ट सो दैट यू कैन स्टार्ट टू अंडरस्टैंड कि अल्लाह ताला किसी शोहर डिपेंडेंट मदद नहीं करते, अल्लाह ताला मुबर्रा है इस बात से कि किसी वसीले के थ्रू मदद कर रहे हो, अल्लाह ताला डायरेक्ट भी मदद करते हैं, ऐसे ऐसे वसीले खुद पैदा होते हैं। ये इस्लाम में जो पाकिस्तान में जो नया कॉन्सेप्ट आया ना कि डॉक्टर से तो मदद मांगना है ना, वो भी तो शिरक होना चाहिए था, तो अल्लाह ने भी तो वसीले पैदा किए हुए। आप देखें उन बंदों से जो अल्लाह पे इत्तफाक करते हैं, वसीला उनके सामने आसमान से गिरता है, रिज नहीं आसमान से गिरता, वसीले भी आसमान से गिरते हैं, कोई ये पूछते नहीं है वसीला कहां से आया, हर कोई कहता है वसीले से तो मदद आती है, और वसीला कहां से आता है। सो अ लॉट ऑफ टाइम्स ये फलसफे का ही मसला होता है, फलसफे में कैंसर होता है लोगों को, अल्लाह की बजाय लोगों से मदद मांगने की एक एक, एक कीड़ा आया होता है, इसलिए भी काफी सारे लोगों को इस तरह की कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ती है। सो फिक्र नहीं करें, यू नॉट एन एक्सेप्शन, यू और मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट, दे बेटर स्टार्ट द इंटीग्रेशन प्रोसेस। जब शोहर या बीवी ऐसे निकले, इंटीग्रेशन प्रोसेस ऑन कर दिया करें, किस चीज से इंटीग्रेशन, सेल्फ सस्टेनेंस के ऊपर मैं आऊं कि भाई मैं खुद कफील लिखना हो जाऊं, इमोशनली मैं साउंड हो जाऊं, फाइनेंशियली मुझे कोई ना कोई तरीकाकार निकालना पड़ेगा। लोगों के बच्चे और बच्चियां ऑफिस में काम करते हैं और क्योंकि माँ बाप फौत हो गए या पता नहीं कोई बीमारी का शिकार हो गए, बच्चे और बच्चियां छोटे छोटे, तो ये बड़ी उम्र की बीवियों को क्या मसला है, शोरों को क्या मसला है। यू हैव टू स्टार्ट द सेल्फ डिवेलपमेंट साइकिल एज सून एज यू रियलाइज कि भैया ये तो जंग का ऐलान हो गया, तो जंग किसके लिए, अल्लाह के लिए कि भाई या तो तेरे स्टैंडर्ड से लेंगे या मेरे, प्यार से बात कर लिया कई दफा कर लिया, उसके बाद यू नो नेगेटिव रिइंफोर्समेंट कर लिया कई दफा कर लिया, उसके बाद आप फिर तैयारी शुरू, यू हैव टू स्टार्ट द वॉर, सॉरी दैट्स हाउ इट इज, अदरवाइज फिर बच्चे दो नंबर निकले, कोई और बहाना नहीं चलेगा। ओके ये कभी भी नहीं होगा कि हाँ वो बंदा इसलिए नवाज शरीफ दो नंबर है क्योंकि उसके उसकी अम्मी जो थी ना वो फाइनेंशियली साउंड नहीं थी, तो दो नंबर अब आदमी के साथ ही रहना पड़ा, ये कोई बहाना नहीं होता। या इमरान खान के साथ या जरदारी के साथ ये केस हुआ, या हिटलर के साथ हुआ, या फिर कोई लोकल चोर के साथ ये केस हुआ, ये कोई बहाना नहीं है, ये नबीतुली साजिश है कि हाँ जी सेल्फिश माँ का बच्चा है इसलिए चोर निकल आया, बस ये सेल्फिश बाप का बच्चा है, दैट्स द स्टैंडर्ड लॉ से अपनी अपनी सोच रहा था, दैट्स द गेम, नो द गेम, बेसिक साइकोलॉजी बता रहा हूं आपको। आई नो इट्स गोना बी अ लिटिल हार्ड, पर मैंने इसलिए कहा था शुरू में कि कुछ चीजें मुझे कैंडिडली बतानी पड़ेंगी, काफी सारे दिमाग जो है ना उसमें शॉर्ट सर्किटिंग हो जाएगी, बट दैट्स हाउ इट इज, एक्सेप्शन आर देयर, अल्लाह की कसम एक्सेप्शन आर देयर, आई नो दैट यू राइट, बट मोस्ट पीपल आर नॉट एक्सेप्शंस, दैट्स व्हाई एक्सेप्शंस आर कॉल्ड एक्सेप्शंस, मोस्ट पीपल आर द रूल, दे आर द जनरल रूल, ऑल थिंग्स आर अप्लाइड ऑन देम, एक्सेप्शंस के ऊपर जनरल रूल अप्लाई नहीं होता। सो आई विश यू स्ट्रेंथ, मैं किसी किस्म के उसमें कंफ्यूजन में नहीं हूं, आई नो आई सिंपथाइज विद द वुमन एंड एम्पथाइज विद द वुमन, अल्लाह आपको ताकतें दे, ये छोटा डिसीजन नहीं होता, आप क्या समझ रही हैं, ऐसे मेरे आंसू बाहर आ रहे थे किसी लड़की का सोच के, यार उसके शोर के साथ क्या, उसने क्या कर दिया, उस शोर में बदर मचाया हुआ है, मुझे पता है तकलीफ का मामला है। आदमी के पास 100 तरीके होते हैं अपने आप को सोशली रेजरेक्ट करने के, दोबारा से खड़ा कर देने के, अपने आप को फाइनेंशियली और सोशली अपने आप को ताकत में लेके आने के, औरत के पास वो मौके नहीं होते, ऐसे जानवरों में बेचारी अकेली नौकरी निकल जाती है, वो कहती है इसे बेहतर तो वो जानवर था जो घर में था, एटलीस्ट बाहर जाना करता था, ये तो मेरे ऊपर झपटना शुरू हो गए,
ये मुझे ही पता है पाकिस्तानी मर्द के क्या हालात हैं इस वक्त, हम सबको पता है। ये मिनार पाकिस्तान वाला वाकया की तफसील अभी मैं सुनूंगा, आप भी सुनेंगे तो आपको भी कोई ज्यादा हैरत नहीं होगी। 400 मर्द मिलकर एक लड़की को पकड़े, ऐसे कौन से मर्द हैं दुनिया में? ऐसे तो अफ्रीका के कबीले में भी खुदा की कसम नहीं होता, ठीक है। सो ये पाकिस्तान ही क्या हालात है। सो आई नो इतना आसान नहीं है छोरों को छोड़ के अपने अपने काम करना। यू थिंक आई डोंट नो दैट? आई नो दैट। मेरे पास बस अल्लाह ने उम्र दी है तो इतना डेटा आ गया, नहीं तो किसी को शौक नहीं होता कि इतना डेटा लिया जाए कि हर जगह पे मतलब बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनीज में जो कि यू नो IBA, लम्स, हार्वर्ड और जेल के बच्चे जोंग में और टेलीनॉर में और मोबिलिंक में और मैं टेलीकॉम की बता रहा हूँ, नेस्ले में, ठीक है, यहाँ पे बैठे हुए, और इनकी HR से पूछें लड़कियों पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस है? हाँ जी बिल्कुल, रोज होते, रोज नहीं होते तो हफ्ते में एक ना एक रिपोर्ट होता है। इनके अपने प्रोफेशनल्स दुनिया की सारी टॉप यूनिवर्सिटी से उठ के आए और जाके लड़कियों को पकड़ लिया और हम मीनार पाकिस्तान पर रो रहे हैं। दिस इज नॉट एन इजी मैटर फॉर अ गर्ल, किसी भी शक में नहीं हूं मैं, मगर फिर मैं बता रहा हूं रोज इस तरह के बंदों के साथ रहना या इस तरह की बंदियों के साथ भी रहना, मैं क्यों खाली बंदों को कह रहा हूं, दोनों केसेस में है, और फिर कहना कि नहीं बच्चों के लिए कर रहा हूं, सॉरी ये फलसफा ही गलत है। इस बारे में मैं क्लियर हूं, ये फलसफा गलत है। एक्सेप्शनल केस कहीं पे भी रिकॉर्ड ना किए जाए, इस पर रजिस्टर ना किए जाए, इस पर उनको रहने दें। एक्सेप्शनल केस, मोस्ट वीमेन आर सुपर इंडिपेंडेंट इमोशनली एंड इवन सोशली, ऑल दे हैव टू डू इज गेट देमसेल्फ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एज वेल, और मोस्ट ऑफ द केसेस नाउ अगली शादी के लिए तैयारी करवाएं अपनी। एक तो एक और टैग है पाकिस्तान में, एक और दूसरी शादी कर ले तो पता नहीं कैरेक्टर में मसला उसके नजर आता है, उसके अपने बच्चे, मेरे अपने बच्चे इज्जत नहीं करेंगे मेरी, अल्लाह के कानून पे आए। दूसरी शादी औरत के लिए उतनी आसान होनी चाहिए जितनी एक आदमी के लिए दूसरी शादी आसान है, अगर उसने अल्लाह के लिए मामला स्टैंडर्ड रखे हैं अपने। तो अगेन ये बात मैं फिर बता दूं, मैं प्रो तलाक नहीं हूं, एक मुसलमान आदमी कभी प्रो तलाक नहीं हो सकता। तलाक का मशवरा देना सबसे आखिरी मशवरा होता है, 1000 मशवरे और देता हूं मैं भी और हर इंसान को देने भी चाहिए, या पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव इन्फोर्समेंट और फिर पनिशमेंट, तो रन तो करो भाई, साइकिल तो रन करो उसको, ठीक है। मगर कुछ ऐसे मामला हैं जिसके ऊपर बगैर डेटा के हम डायरेक्टली नहीं फैसला कर सकते, तो आई एम नॉट गोना बी लाइक ओके हाँ आप ये करें, दो तीन तीन घंटे के सेशन के बाद ही मैं फैसला नहीं कर सकता, कई दफा डेटा ही नहीं आता। सो बट अंडरस्टैंड द बिगर प्रोसेस एंड ये बहाना मत रखें कि लोग क्या कहेंगे, सॉरी इसके ऊपर भी आयत है लोग क्या कहेंगे के ऊपर डायरेक्ट आयत है कुरान पाक में। नबी इस्लाम को हजरत जैद के हजरत ज़ैनब बिन्त जहश के और हजरत जैद की शादी के केस के ऊपर जब उनकी तलाक हो चुकी थी, अल्लाह ने डायरेक्टली आयत सुनाई कि अल्लाह से ऐसे डरो जैसे कि अल्लाह से डरने का हक है, लोगों से नहीं डर सकते आप, ठीक है। लोग क्या कहेंगे इज नॉट एक्सेप्टेबल, इज रिपग्नेंट टू द फिलॉसफी ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, ओके, इस्लाम के मुनाफी है ये चीज। सो यही तो मैं स्टैंडर्ड इंट्री में बात कर रहा हूँ, ठीक है। अल्लाह आपको ताकत दे, अल्लाह आपको उतनी ताकत, उससे भी ज्यादा ताकत दे कि जितनी एक आदमी को मिलती है, क्योंकि इस केस में आपको डबल डबल स्ट्रेंथ चाहिए होती है, और ताकत सिर्फ अल्लाह ही देते हैं, अंदर से इमोशनल स्ट्रेंथ देते हैं, और तब आप ये फैसले कर सकेंगे। आई होप आई हैव कवर्ड टू बोथ ऑफ दोज एंगल्स।